गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपने नया टॉपिक नई यूनिट से स्टार्ट करेंगे, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से किसी भी क्रिया को करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है, कैटालाइज करते हैं उसको। इसीलिए एंजाइम को और क्या कहते हैं? इनको बायो कैटालाइट्स भी कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। ये जीवित ऊतकों के जैव उत्प्रेरक हैं। मतलब क्या हैं ये? जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उनके बायो कैटालाइट्स होते हैं। ये जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी बायो केमिकल रिएक्शंस की रेट को या दर को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? या तो उसको बढ़ा देते हैं या उसको कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तथा प्रतिक्रिया के दौरान अपरिवर्तित बने रहते हैं। मतलब जैसी आवश्यकता होती है, कम और ज़्यादा की है, उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, जैसे कि प्रोटीन लाइक नेचर। प्रोटीन की तरह इनकी प्रकृति होती है। अब ये प्रोटीन के रूप में काम करते हैं। किस रूप में? सभी एंजाइम प्रोटीन हैं। हार्मोन हो या एंजाइम हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स के सभी साधारण गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे उच्च अणुभार, कलिलीय व्यवहार यानी कोलोइडल बिहेवियर, धीरे धीरे विसरण यानी डिफ्यूज़न होना, जैविक झिल्लियों से होकर ना जाना, तथा विद्युत धारा के प्रति संवेदनशील होना। इस तरह के नेचर इनके क्या कहलाते हैं? प्रोटीन नेचर कहलाते हैं, प्रोटीन लाइक नेचर होते हैं। फिर है प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाना। जैसा कि हमने अभी पहले भी देखा कि ये क्या करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को कम या ज़्यादा करते हैं। एंजाइम केवल प्रतिक्रिया की गति को परिवर्तित कर सकता है, ये ना तो प्रतिक्रिया प्रारंभ कर सकता है और ना ही साम्य की दिशा में बदल सकता है। मतलब क्या है? ये चेंज बीच में कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी क्रिया को स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एंजाइम प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, मतलब उसकी जो रेट है उसको इफ़ेक्ट करता है, कम ज़्यादा मैनेज करने का काम करता है। किंतु इस स्थिति में प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं उत्पन्न हुए पदार्थों के बीच साम्य स्थिर रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसके बाद है रिवर्सिबिलिटी यानी उत्क्रमणीयता। कुछ एंजाइम उत्क्रमणीयता प्रदर्शित करते हैं यानी रिवर्सिबिलिटी, यानी किसी भी क्रिया को दोबारा करने की क्रिया, अर्थात ये प्रतिक्रिया को दोनों दिशाओं में प्रेरित करते हैं। इनका ये गुण मेटाबॉलिज्म में बहुत उपयोगी है, जैसे लाइपेज नामक बसा को तोड़ने वाले एंजाइम इथाइल ब्यूटेराइट को ब्यूटायरिक एसिड और इथाइल एल्कोहल में तोड़ देती है। यदि ये प्रतिक्रिया अधिक देर तक चले तो इथाइल ब्यूटेराइट बन जाता है। इस तरह से इनमें रिवर्सिबिलिटी की प्रोसेस होती है। इसके बाद है अंत में अपरिवर्तित रहना, रिमेन अन अलर्टेड इन द एंड। एंजाइम प्रतिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित बने रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं। प्रतिक्रिया समाप्त होने पर उन्हीं पदार्थों के मध्य हो रही दूसरे अणुओं की प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है। मतलब क्या है? ये चेंज नहीं होते हैं, ये अपनी फॉर्म में ही बने रहते हैं, और जब कोई भी प्रतिक्रिया समाप्त हो रही होती है ना, तो उनके पदार्थों के बीच में जो दूसरे पदार्थ होते हैं, अणु होते हैं, उन्हीं से प्रतिक्रिया को प्रेरित करते हैं, मतलब उन्हीं को मोटिवेट करने का काम करने लगते हैं। इसके बाद है अति सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एंजाइम को बार बार प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि ये ख़त्म हो जाते हैं, है ना, इनको बार बार प्रयोग कर सकते हैं, तथा ये प्रतिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं? अपरिवर्तित यानी चेंज नहीं होते हैं। अतः इनकी अति सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। एंजाइम का एक अणु सब्सट्रेट के 5 लाख अणुओं को प्रति मिनट प्रेरित कर सकता है। इसके बाद है एंजाइम स्पेसिफिसिटी यानी एंजाइम की विशिष्टता क्या होती है। एंजाइम एक ही विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, ये एक ही प्रकार के पदार्थों पर प्रतिक्रिया करता है। एंजाइम विशिष्टता निम्न प्रकार से हो सकती है। अब ये इनकी जो स्पेशलिटी है वो निम्न टाइप से
हो सकती है, जैसे कि प्रतिक्रिया विशिष्टता, सबस्ट्रेट विशिष्टता, समूह विशिष्टता, ऑप्टिकल विशिष्टता, डीनेचुरेशन और सक्रियता और रोकना। इन प्रकार से ये इनकी जो स्पेशलिटी है वो प्रदर्शित हो सकती है, जैसे रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। अधिकांश एंजाइम एक ही प्रकार की प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं, क्या करते हैं, एक ही प्रकार की, मतलब एक ही टाइप की जो रिएक्शंस हो रही होती हैं, प्रतिक्रियाएं हो रही होती हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको होने के लिए और मोटिवेट करते हैं, जैसे फास्फेट स्थानांतरण, ऑक्सीडेशन अवकरण या ऑक्सीकरण अवकरण। दूसरा है सबस्ट्रेट विशिष्टता, इसमें कोई भी विशिष्ट एंजाइम केवल कुछ ही पदार्थों पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे यूरिएस एक विशिष्ट एंजाइम है जो केवल यूरिया पर ही प्रतिक्रिया करता है। जो यूरिएस है वो किस पे काम करेगा, यूरिया पर काम करेगा। ये प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म को प्रभावित नहीं करता, ठीक है, मतलब स्पेशल है तो किसी एक विशिष्ट पे ही काम करेगा। इसके बाद है ग्रुप स्पेसिफिसिटी यानी समूह विशिष्टता। अब इसमें क्या होगा, कोई भी विशेष एंजाइम किसी विशिष्ट रासायनिक समूह पर भी प्रक्रिया करता है, मतलब एक पूरे ग्रुप पर जब ये इफ़ेक्ट करे, मोटिवेट करे, तो उसको कहेंगे समूह विशिष्टता। जैसे ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एल्कोहल पर पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन, पेप्टाइड बॉन्ड्स इन पर, और एस्ट्रेज एस्टर लिंकेज, इन सभी पर प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी या स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल में एपीमरेजेस एंजाइम के अतिरिक्त अन्य एंजाइम सामान्यतः ऑप्टिकल विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, जैसे माल्टेज अल्फा ग्लूकोसाइड्स की हाइड्रोलिसिस को उत्प्रेरित करते हैं, बीटा ग्लूकोसाइड्स को नहीं करते हैं। डीनेचुरेशन, प्रोटीन एंजाइम की प्रकृति अम्लों लवणों की उच्च सांद्रता, एल्केलॉइड्स प्रतिकर्मकों एवं अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा प्रभावित कर दी जाती है, जिससे एंजाइम की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसके बाद है एक्टिवेशन, अधिकांश एंजाइम में कुछ विशिष्ट सदस्यों के मिलाने से सक्रिय हो जाते हैं, इन विशिष्ट सदस्यों की अनुपस्थिति में एंजाइम निष्क्रिय एवं सुस्त रहते हैं, ये प्रतिनिधि एंजाइम एक्टिवेटर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये एक्टिवेटर कहलाते हैं। फिर है इनहिबिशन यानी रोकना, कुछ विशिष्ट प्रतिनिधियों के मिलाने से एंजाइम की गतिविधियां रुक जाती हैं, जैसे फाइसोस्टिगमाइन, एसिटिलकोलीन और इनकी गतिविधियां, इनको ये रोकने का काम करता है। इसके बाद है इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में इसके पांच ग्रुप में इसको डिवाइड किया है। कौन कौन से पांच ग्रुप हैं इसके, पहला है हाइड्रोलेजेस, दूसरा है डेमोलेजेस, तीसरा है कोएगुलेटिंग एंजाइम, फोर्थ चौथा है आइसोमरेजेस और पांचवा है सिंथेटेजेस। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन, जिसमें हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस के अंतर्गत डिफरेंट ग्रुप्स में इसको भी डिवाइड किया है हाइड्रोलेजेस को, जैसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, सुक्रोलिटिक एंजाइम, लिपोलिटिक एंजाइम, एमाइलोलाइटिक एंजाइम, न्यूक्लियेजेस और एमाइडेजेस, इन्वर्टिंग एंजाइम, ये सारे किस में आ जाएंगे, हाइड्रोलेजेस में आ जाएंगे, जिसमें इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद डेमोलेजेस के अंतर्गत देखें तो इसको ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजनेजेस, डीकार्बोक्सीलेजेस और कार्बनिक एनहाइड्रेस, कैटालेजेस, ऑटोलिटिक या इंट्रासेलुलर एंजाइम में डिवाइड किया गया है। इसके बाद कोएंगुलेटिंग एंजाइम, जिसको किसी में डिवाइड नहीं किया गया है, आइसोमरेजेस और सिंथेटेजेस।